महिला आक्रोश रैली, और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा हैं। मैम, जंतर मंतर पर आज इतना बड़ा प्रदर्शन, मांग क्या है, आखिर क्यों जंतर मंतर आना पड़ा महिलाओं को? सदन में तो ये सरकार किसी की बातें सुनते नहीं हैं। सरकार में, सदन में जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो सवाल उठाते हैं, उस समय उन सवालों का जवाब भी नहीं मिलता है। हमने कोशिश की यहाँ से अपनी आवाज़ उन तक पहुँचाने के लिए, पर हमने ये अफसोस जाहिर करते हैं कि ये गूंगी बहरी सरकार जो है वो ना जनता के हित में, ना महिलाओं के हित में, ना युवाओं के हित में कुछ सोच सकते, वो सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों के हित में सोचते हैं। तो जैसा आपने बोला, लेकिन एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि गृहिणी के लिए हमने सिलेंडर फ्री कर दिया। कौन सा और... सिलेंडर फ्री कर दिया, कहाँ पे सिलेंडर फ्री कर दिया? मैं चैलेंज करती हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी को, अगर सिलेंडर फ्री है तो बताइए। सिलेंडर एक बार फ्री देने से कुछ नहीं होता, उसे भरवाना तो पड़ता है। कौन भर के दे रहा है उनको सिलेंडर? 414 रुपया जो था आज 1100 पार हो चुका है। मजाक बना के रखा है देश के जनता को, और समझते क्या है कि इसकी ये शासन चलेगा क्या? दूध का भाव जो एक साल में उन्होंने 9 रुपया बढ़ा दिया है, वो करना क्या चाहते हैं देश के जनता के साथ? खुद के तो परिवार नहीं है, इसलिए ये समझते हैं कि बाकी का भी, अरे देश को एक परिवार समझने वाला जो कहते हैं, वो आज देश के लोगों के साथ क्या हरकतें कर रहे हैं ये पूरे देश और दुनिया देख रही है। और दूसरी तरफ LIC और SBI में जो हमारा जो आम जनता का जो निवेश है, जो मेहनत करके आम जनता ने अपना पैसा निवेश किया है, आज उन पैसों के साथ खिलवाड़ किया गया है। किसके कहने पे? LIC और SBI के लोगों ने अदानी को लोन दिया। ये क्या सवाल मांगना क्या गुनाह है? क्या ये सवाल पूछना गुनाह है उनसे? और अगर ये जवाब नहीं दे सकते हैं देश और दुनिया को, तो बता दे कि वो कसूरवार, दे बता दे कि वो दो मित्रों के लिए देश चला रहे हैं, उसमें बैठे हुए करोड़ों जो सिटीजन्स है, करोड़ों जो देशवासियों हैं, उनके लिए नहीं देश चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना हम लाए, लाखों करोड़ों महिलाएं जो चूल्हे पे रोटी पकाती थी, अब वो गैस पे बना रही हैं। उनको बोलिए हकीकत का सामना करे, जो महिलाएं गैस चला रहे थे, आज ये नौबत बता चुकी है कि उनको चूल्हे पे जाना पड़ रहा है। शर्म करो मोदी, मोदी सरकार, स्मृति ईरानी, सारे महिला मंत्रियां जो वहां पे बैठे हैं, जो पहले गैस सिलेंडर को उठा के चलाते थे, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब उनकी महंगाई की मार नहीं दिख रही है क्या? हुई ये उनके लिए ये 5-स्टार वाली बात है? गैस सिलेंडर कोई किसी के लिए 5-स्टार वाली बात नहीं है। गैस सिलेंडर जो है वो हम महिलाओं के लिए जो एक बेसिक नेसेसिटी है। दूध का दाम 9 रुपया पर, अरे हर एक चीज़, आप गैस, डीजल, पेट्रोल, तेल, चावल, आटा, विश्व गुरु बनने की कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। विश्व गुरु, ये विश्व में के अंदर भारत देश को झुकाने का काम कर रहे हैं ये। अगर यही अमृत काल है तो हमें अपना पिछला वाला काल लौटा दे, ये देश की जनता चिल्ला चिल्ला के कह रही है। विदेश में डंका बज रहा है मोदी जी का। कौन सा डंका? विदेश से ही तो ये पॉपुलर नेता है। अब मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि जब विदेश से ही एक रिपोर्ट आती है, हिडिंगबर्ग रिपोर्ट, उसमें उनको आपत्ति है, वरना सारे डंके चाहिए उनको। उनको बोलिए असलियत का सामना करे, असलियत देखे देश डूब रहा है। और मोदी जी के क्या गाना गा रहे सबको पता है, पता है ना सबको? दोस्ती वाला गाना गा रहे हैं, वो गा रहे हैं लोगों के लिए, वो अपने दो दोस्तों के लिए, खास करके आजकल जो कुछ खास हो गया अदानी, उसके लिए वो ये गाना है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे जनता की कमर मगर, तोड़ेंगे देश की अर्थव्यवस्था मगर, तोड़ेंगे घर की बजट मगर, अदानी का साथ, अदानी का साथ ना छोड़ेंगे। तो देखा आपने, तो ये देखा आपने के महिला आक्रोश रैली, और यहाँ पर कांग्रेस महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा जो हैं वो सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ जो है वो यहाँ पर आई हैं, और उनका कहना है कि जिस तरीके से कुछ चंद लोगों के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है वो सरासर गलत है। एक तरफ महिलाएं हैं जो गैस सिलेंडर तक
रिफिल कराने के लिए जूझ रही हैं, और दूसरी तरफ जो है जी कौन चोर है, चोर कौन, जो देश का सेवक, जो सरकार निकम्मी है, जो देश का सेवक मन की बात, और जो अदानी अंबानी के मित्र जिसको देश संभाला था, आज पूरा देश डूब गया। आपकी कैब बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से आई हैं आप? मैं हिमाचल से हूँ। हिमाचल में क्या हाल है महिलाओं का? हिमाचल में हाल बहुत अच्छा है, हमारी कांग्रेस की सरकार आई है, 10 गारंटी योजना में ओपीएस हमारे माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने 10 गारंटी योजना में काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि 2 गारंटी मुख्य हमारी महिलाओं को 1500 रुपये महीना, और 1500 में 1000 का तो सिलेंडर ही आ रहा है। देखिए ये कम तो मिल रहा है, कम से कम देखिए ये 1500000 वाला जुमला नहीं है, 1500 रुपया कहा था, कथनी और करनी में अंतर है। 1500000 रुपया कहा था कि हमारे जो विदेशों से पैसा काला धन, हाँ स्विस बैंक में काला धन आएगा, 15-15 लाख सबको मिलेगा, ये वो 1500000 नहीं है जुमला। वो कांग्रेस की सरकार जो आज बनी है हिमाचल प्रदेश सरकार में, जो हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है, माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ओपीएस जारी कर दिया, 1500 रुपये कमेटी बना के अभी 1-2 महीने में 1500 महीना महिलाओं को आएगा, और 1 लाख बेरोजगारों के लिए अभी नौकरी का वादा किया था, उसमें कमेटी बैठा दी। कांग्रेस सरकार झूठ नहीं बोलती, कभी भी कांग्रेस सरकार झूठे वादे नहीं करती है। आज के समय में जो अदानी ने मित्रता करके हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों मित्र, वो जैसे हमारी नेता बड़ी बहन नेता जी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने कहा कि ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे जब तक सारा देश नहीं डुबोएंगे। मैम मुझे बताइए, महिला हैं आप, रसोई पर कितना फर्क पड़ा है, चाहे वो सिलेंडर महंगा हुआ हो, चाहे वो दूध महंगा हुआ हो, दाल महंगी हुई हो, रसोई में क्या फर्क पड़ा है वो तो पूरा देश जानता है। पहले सिलेंडर 400-450 रुपये आता था, अब सिलेंडर क्या है 1245 रुपये जो है, अब सिलेंडर जो है रसोई में मिल रहा है लोगों। आप कहाँ से आई हैं? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, और मैं आपके सामने, आप मीडिया के सामने, मैं सिर्फ एक अपने हिमाचल प्रदेश का एक ही मुद्दा आपके सामने रखूँगी कि जो हमारी ये हमारे मोदी जी, जो हमारे अडानी जी हैं, उनको जो ये सपोर्ट कर रहे हैं हमारे, उनकी जो एक सीमेंट फैक्ट्री, आजकल जो ज्वलंत मुद्दा जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है सीमेंट फैक्ट्री वाला, वो बंद कर दी, सीमेंट फैक्ट्री जो है वो बंद कर दी गई है, ठीक है। वो किसकी शय से? हमारे मोदी जी की शय से वो सीमेंट फैक्ट्री वहाँ पे बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से 35,000 से 40,000 कर्मचारी जो है वो सड़कों पर आ गए हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, कर्मचारी अलग, फैक्ट्री के कर्मचारी अलग, जो उधर बाहर जो मतलब जिनके उस फैक्ट्री की वजह से जिन लोगों को बाहर रोजगार मिल रहा था, सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट उनको जिनको मिल रहा था, वो भी आज बंद पड़ चुके हैं। वो घर में, उनके घर में मतलब बोलते हैं ना, राशन नहीं है, दाने दाने के मोहताज हो चुके हैं। ये किसकी वजह से है? हमारे सेंटर में बैठे हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय जो है, उनकी वजह से। उन्होंने अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को, इन्होंने जो ये शह दे रखी है, जिसकी वजह से आप भी, आप बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से ही यही पूछना चाहती हूँ, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है कि जो इंसान 200 नंबर पे चल रहा था, वो एकाएक रातों रात हाईजैक से, या बाई एयर जो है 22 से ऊपर नंबर पे आ चुका है, आप खुद बोल रहे हैं, आप ही हमें इस चीज़ का जवाब दीजिए कि वो 22 नंबर पे कैसे आ गया है? ड्यू टू मोदी जी। इसीलिए ये जो आज यहाँ पे औरतें हैं, हमारी जो महिला शक्ति आई है, ये बता देगी जिस तरह से हमने हिमाचल प्रदेश में, हमने बीजेपी की सरकार को दरकिनार फेंका है, उसी तरह से 2024 में हमारे यहाँ पे राहुल गांधी जी ये जो है, हम पूरे देश का नेतृत्व करेंगे, और कांग्रेस पार्टी यहाँ पे सत्ता में आके रहेगी। हाल तो हर जगह खराब ही है, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा विनेश जी ने और कुछ और खिलाड़ियों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पर ही। यही एक वो पवित्र स्थान है मैं कहूँगी कि जहाँ पर लोग प्रदर्शन करने के लिए आते हैं, पूरे देश से आते हैं अपना आक्रोश जतलाने के लिए सरकार की नीतियों के खिलाफ, जो गलत हैं, जो देश हित में नहीं हैं, उनके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करने आते हैं। तो मैं भी महिला कांग्रेस से ही हूँ, और मैं भी अपने महिला कांग्रेस का
साथ देने आई हूँ यहाँ पर। तो ये तमाम महिलाएं जो देश भर से आई हुई हैं, उनका कहना है कि जिस तरीके से देश में महंगाई की मार झेल रही महिलाएं हैं, उनकी यही गुहार है कि महिलाओं के लिए कुछ तो ऐसा हो कि उनको राहत मिल सके, किचन का जो सामान है वो सस्ता हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं जिब्रान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।